हाय फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा। आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछले 20 सालों के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशोलॉजी, जितने भी जिससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनका मैंने एक संग्रह किया है और मैं आप तक ले लाना चाहूँगी। ये सभी क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप एक बार इनको सुन लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम भी आप इनको सुन के जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो अभी तक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर आपको चैनल क्वेश्चन अच्छे लगे और मैं अगर आपको आप तक पहुंचाने में अपनी बात सफल रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। मैं इसके अलग अलग पार्ट लेके आऊँगी क्योंकि एक वीडियो में इतना क्वेश्चन होना संभव नहीं है। अलग अलग वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊँगी। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली, दिल्ली के तख्त पे, यह हम बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? तो दिल्ली तख्त पे राज्य करने वाली पहली मुस्लिम महिला है रजिया सुल्तान। उनका नाम हमने सुना हो, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई और यह 1526 में हुई। याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर मुगल जो साम्राज्य आरंभ हुआ था उनके बाबर जन्मदाता थे, हुमायूं के ये फादर थे। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो थी वो किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है वो चोल कला का उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल कला का उदाहरण है। राजस्व शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की? टोडर मिल ने की। टोडर मिल अकबर के राजस्व अधिकारी थे। पिंक सिटी जो जयपुर को कहा जाता है किसने स्थापित की? तो पिंक सिटी सवाई जयसिंह ने स्थापित की। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई? पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई। याद रखिएगा, पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुई। कौन सा नगर अपने रॉक गार्डन उद्यान के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, रॉक गार्डन के नाम से जो जाना जाता है वह है चंडीगढ़। दक्षिण भारत की दो ही नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, वह है नर्मदा और ताप्ती नदी। सागौन मानसूनी वन का उत्पाद है। हमारे मध्य प्रदेश में भी मानसूनी वन पाए जाते हैं और सागौन मानसूनी वन का उत्पाद है। नमक का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है गुजरात में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और वह नेपाल में स्थित है। चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? डिगबोई तेल क्षेत्र असम में है। भारत के 1 रुपये के करेंसी नोट पर साइन किसके होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के सचिव के। 1 रुपये के करेंसी नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के साइन होते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो NH7 कहलाता है? वह वाराणसी और कन्याकुमारी। भारत में 266 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। याद रखिएगा, भारत में 266 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तथा वाराणसी से कन्याकुमारी, तो वाराणसी उत्तर में पड़ता है, कन्याकुमारी मैप में सबसे नीचे पड़ता है, मतलब हमारे सबसे दक्षिण में है। तो वाराणसी और कन्याकुमारी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NH7 है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ही हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नदी द्वारा जो संचित क्षेत्र कहलाता है, जैसे नदी द्वारा संचित क्षेत्र द्रोणिका या बेसिन कहलाता है। जैसे कि हम हमारी किचन में एक बेसिन होता है जहाँ पर हमारा पूरा पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे हम बर्तन को वॉश करते हैं वो बेसिन कहलाता है। ऐसे ही जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वही नदी द्वारा संचित क्षेत्र भी बेसिन कहलाता है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में। याद रखिएगा, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में। भारत की सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में है? तो भारत की सबसे बड़ी बचत होती है घरेलू क्षेत्र में। भारत की सबसे बड़ी बचत होती है घरेलू क्षेत्र में। हवाला बाजार रिलेटेड है गैर कानूनी विदेशी। याद रखिएगा, अगर गैर कानूनी कोई विदेशी मुद्रा विनिमय हो रहा है तो वह हवाला बाजार से रिलेटेड है। गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय हवाला बाजार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस तारीख को ग्रिगेरियन कैलेंडर आया?
या ग्रिगेरियन कैलेंडर को भारत के राष्ट्रीय मार्च के रूप में मान्यता कब दी गई कि हमारा ये कैलेंडर होगा इसकी मान्यता कब दी गई? तो 22 मार्च 1957 को ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर होगा। ग्रिगेरियन कैलेंडर इसकी मान्यता कब दी गई? ग्रिगेरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई थी 22 मार्च 1957 को। ग्रिगेरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई थी 22 मार्च 1957 को। संसद में बजट कौन प्रदर्शित करता है? संसद का बजट प्रदर्शित करते हैं वित्त मंत्री। संसद में बजट प्रदर्शित करते हैं वित्त मंत्री। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? मतलब जो राजनीति है, राज्य से समझ में आ रहा होगा कि किसी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय प्रतिपाद्य होता है वह राज्य होता है। राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय प्रतिपाद्य होता है वह राज्य होता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काम करना स्टार्ट कब से किया, या हम ये बोल सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? तो 1975 से हुई। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बहुत एजेड व्यक्ति थे। संविधान सभा में स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? वहाँ एकात्मक शासन है, हमारे जैसा द्विसदनात्मक शासन नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में या ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में शहीद हो गया था? तो जतिन दास। जतिन दास ऐसे थे जो भूख हड़ताल के दौरान जेल में शहीद हो गए थे। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के पूर्व में सत्याग्रह किस देश में शुरू किया? मैंने महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बन सकते हैं उनका एक वीडियो पूरा डाला है, वो प्लीज़ आप देखिएगा। उसमें गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब वहीं उसमें दिए गए हैं। वहाँ पे मैंने ये भी बताया गया है कि गांधी जी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था, 1908 में किया था, याद रखिएगा। तो गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के लिए सत्याग्रह किस देश में शुरू किया? साउथ अफ्रीका में किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इनकी सबसे पहले अध्यक्षता की थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन लाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वही हिट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं। मैंने उनका एक संग्रह कर लिया है और मैं ये आप तक इनको पहुँचाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।